एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आप सभी के लिए एक चैलेंज लेकर आऊंगी, जिसको हम दोनों मिलकर, मतलब मैं और आप सभी मिलकर उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। और बाय गॉड, इतने मैसेजेस आपने मुझे किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद अनाउंस बहुत जल्दी कर दिया। मतलब इतने ज्यादा आपके मैसेजेस पर्सनल यूट्यूब वीडियोज के नीचे, व्हाट्सएप मैसेजेस पे, इंस्टाग्राम पे, मुझे इतने सारे आप सभी के मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि मैं बहुत जल्दी ही ये लाइव प्रोग्राम लेकर आऊँ। मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ये लाइव लेकर आ पाऊँ, लेकिन आप सबके इतने मैसेजेस है ना, मतलब मुझे मतलब बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है और करते हुए भी खुशी हो रही है। और सिर्फ मैं ये चैलेंज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ये वाला जो चैलेंज है ना भाई, इसे मैं कब तक कंटिन्यू करूंगी वो मैं आपको नहीं पूरा श्योर बता सकती हूँ, लेकिन हाँ मेरी पूरी कोशिश रहेगी एटलीस्ट मैं इसको बहुत मतलब लंबे टाइम के लिए आप सभी के लिए लेकर आऊँ, ताकि मेरी जो YT फैमिली है ना उसको जितना ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके ना, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए चैलेंज लेकर आई हूँ, ठीक है। तो पूरी कोशिश रहेगी, अगर मैं इस तरह की लॉन्ग वीडियोस में आपके लिए नहीं ला पाऊंगी तो डेफिनेटली मैं अपना पूरा दिन जो है वो एज अ शॉर्ट आपके लिए जरूर जरूर अपडेट करूंगी। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को जरूर देखा कीजिए, ताकि आपकी जो जर्नी है 1, 2, 3, 4 इस तरह डेज के हिसाब से, पर्टिकुलर अ डे मतलब टोटली लाइव चैलेंज है, आपको कहीं पर पैसा नहीं खर्चे करना, बस ये लाइव चैलेंजेस को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप सभी को प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी इस लाइव चैलेंज के दौरान मैं चीजें यूज करूंगी वो हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। कोई एक्सपेंसिव फूड्स नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई शेक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घर का साफ सुथरा खाना एक एक ऑप्शन दूंगी। प्लीज इसके रिगार्डिंग मैसेज मत कीजिएगा कि मैम प्लीज इसका अल्टरनेट बता दे, उसका अल्टरनेट बना दे, या मैं किसी हेल्थ इशू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपकी बॉडी को जो सूट करता है, आप पहले पूरा लाइव चैलेंज देखिए, आपकी बॉडी को सूट करता है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ इस जर्नी को ज्वाइन करें। अगर आपकी बॉडी को ये चीजें सूट नहीं कर रही है, या गर्म तासीर लग रही है, या वहां पर आपकी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने शहर, सिटी, स्टेट के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इतना मुझे प्लीज कोऑपरेट जरूर कीजिएगा। बस इतनी अश्योरेंस देती हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस खाने को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको 20 से 40 मिनट की वॉक इस डाइट प्लान के साथ मैंडेटरी है। चाहे आप फोन पे बात करते करते अपने पूरा घर के अंदर वॉक करें, चाहे आप अपने टेरेस पे वॉक करें, चाहे आप बाहर जा सकते हैं तो डेफिनेटली बाहर जाएं, ताजी हवा लें और ऑक्सीजन अपने लंग्स को प्रॉपर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके अपने लंग्स को प्रॉपर अच्छे से वर्किंग कंडीशन में लेके आएं, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना आप, हम ये सोचते हैं ना कि हमारा डाइट और एक्सरसाइज से ही हम अपना वेट कम करते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको एक तीसरी चीज है स्लीप। हमारी नींद अगर अच्छी नहीं है ना तो आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। अपनी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करिएगा। इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे एक मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर इस डाइट को फॉलो करते हुए, मीनवाइल आपको कोई भी इश्यूज आते हैं आप मुझसे वहां पर ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप के ऊपर कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज नहीं आएंगे। कोई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो मैम, बाय मैम, हेलो डियर, इस तरह का कोई भी मैसेज वहां पर आप लोग नहीं करेंगे। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहां पर मिलती है तो मैं डेफिनेटली वहां से आपको रिमूव कर दूंगी, उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोल रही हूँ, बट आप वहां पर ऐसे कोई भी चीज मत कीजिएगा। एक दूसरे को लाइक अ फैमिली हमें सपोर्ट करना है। मैं आपके जितने भी क्वेश्चन है, आपको वेट लॉस जर्नी के अंदर हर्डल्स आ रहे हैं, मैं या फिर बहुत सारे लोग जो वहां पर जुड़े हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज आपने क्या करनी है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा गिव अवे रख रही हूँ, ठीक है। अभी हमारे सब्सक्राइबर्स हुए हैं 24K, इसको 25K तक हमको लेकर जाना है। आप जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हैं और सभी लोगों को ना आज के टाइम पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहने की, रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, इन सभी को आपको ये जो वीडियोस हैं इनको सभी को आपको शेयर करना है, ताकि हमारी फैमिली को ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। आपको इस चैलेंज को स्टार्ट करना है तो आपको नीचे इस वीडियो के #richnutrition लिखना है और day 1 का अपना वेट अपडेट वहां पर मेंशन करना है, जो लोग भी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। सेम वही चीज आपको मुझे टेलीग्राम पर भी लिखनी है और हर वीडियो के नीचे आपका कमेंट आना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, ठीक है। जिस भी पर्सन का रेगुलर विदाउट एनी सिंगल फेलियर उसका मुझे वेट अपडेट डेली रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, तो पहले 3 जो हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जो इस लाइव चैलेंज को ज्वाइन कर रहे हैं, उन 3 को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने का डाइट चार्ट
बिना किसी सिंगल पेनी चार्ज किए हुए मेरी साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये है हमारा गिव अवे का छोटा सा अनाउंसमेंट, तो प्लीज जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को जितना हो सके आप उसको शेयर कीजिए ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सकें। बहुत से लोग हैं यार अफोर्ड नहीं कर पाते इतने महंगे महंगे डाइट प्लान्स, बट वो सीरियस होते हैं अपने हेल्थ को लेकर, बट उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती या रास्ता नहीं मिल रहा होता कि हमको स्टार्ट कैसे करना है, बस उनको एक छोटा सा पुश चाहिए होता है। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी लाइफ को भी हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए ना इन वीडियोज़ को जितना हो सके, अगर आपको लगता है ना कि ये वीडियो सच में हेल्पफुल है, डेफिनेटली प्लीज़ एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हो सके आप शेयर जरूर करें इन वीडियोस को। और 25,000 हमारे जब ये सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो उसके उस टाइम पर मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया गिव अवे लेकर आऊंगी। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी भी कश्मकश में है इसी कि भाई अब करें या ना करें, इतना कुछ है यूट्यूब पर, किसको फॉलो करें किसको छोड़े, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उनके एक बार कमेंट जाके पढ़िए, फीडबैक पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट को पढ़िए, ट्रस्ट हो जाए तो एक बार इस वीडियो को देखिए, हमारे साथ लाइव चैलेंज स्टार्ट कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं कहती, सिर्फ एक हफ्ता भी, अगर 7 डेज भी आप सभी ने मेरे साथ इस चैलेंज को स्टार्ट कर लिया ना, आपके अंदर वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मैं वेट लॉस पे नहीं फैट लॉस पे फोकस करती हूँ, अपने इंचेस वगैरह सब कुछ मेजर करके। बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर और इस डाइट चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा डे नंबर 1। डे नंबर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, चलिए हम अपना डे स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैंने लिया है ल्यूक वॉर्म लेमन वाटर, सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक है ये मेरा, और ल्यूक वॉर्म लेमन वाटर के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। बेसिकली नींबू क्या करता है, बॉडी ना डिटॉक्स करता है, आपने जो भी खाया है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं ना, बेसिकली उसको फ्लश ऑफ करने का काम करता है। तो अगर आपको कोई ड्रिंक नहीं समझ आ रहा, आप रात को बनाना भूल गए हैं, सोक करना भूल गए हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप वहाँ पर अपना ल्यूकवॉर्म लेमन वाटर ले सकते हैं, या फिर भुना हुआ जीरा डालकर गर्म पानी के अंदर आप वो भी ले सकते हैं इंस्टेंट, क्योंकि इतना सुबह सुबह बॉयल करके उसको सिप सिप करके पीने का ना हम मदर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि अभी बच्चों को उठाना है, तैयार करना है, उनको स्कूल भेजना है, तो अपने लिए इतना टाइम नहीं है। तो जस्ट ल्यूकवॉर्म किया आपने लेमन वाटर या भुना जीरा का पानी, और दैट्स इट, आपने उसको इन्जॉय करना है सिप सिप करके, ठीक है। इस डाइट को फॉलो करते हुए ना आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि सुबह आपने उठना है, आपने नॉर्मल एक गिलास पहले पानी पीना है, उसके बाद आपने फ्रेश होने के लिए जाना है, फ्रेश होने के बाद आप 5-7 मिनट वेट करें, देन उसके बाद आप अपना वेट चेक करें, ठीक है। कई बार होता है कि हम इमीडिएट अपना वेट चेक करते हैं ना, तो बॉडी में जो ब्लॉटिंग होती है जो धीरे धीरे हमारी रिलीज होती है, हम उसी टाइम पर अपना वेट कर लेते हैं ना, जिसकी वजह से हमें वेट अपना अप ही मिलता है, ठीक है। तो आप अगर आपको ब्लॉटिंग का या वाटर रिटेंशन का थोड़ा सा इशू है ना, फ्रेश होने के 2-4 मिनट 5-7 मिनट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स बॉडी को होने दें, देन उसके बाद आप अपना वेट चेक करें, डेफिनेटली आपके वेट के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा। और पैनिक नहीं करना है कि उसका इतना ज़्यादा वेट जा रहा है और मेरा इतना कम जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, तो रिजल्ट जो है वो वेरीज करेंगे, पर्सन टू पर्सन डिफरेंस रहेगा। मेरे वेट में हो सकता है मेरा वेट इतना नीचे ना जाए, आप लोगों का बहुत अच्छे से जाए, और आप लोगों का थोड़ा सा कम जाए या मेरा ज़्यादा जाए, आप अपने इंचेस को लिख कर रखिएगा, आप अपने वेट को लिख कर रखिएगा, डे 1 डे 2 डे 3, डेफिनेटली वो वर्क करेगा, ये सारे प्लान्स वर्क करेंगे। सिंपल घर का खाना है, कोई ऐसी फैंसी आइटम्स नहीं है जो आप उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर सकते हैं, घर की बनी चीज़ें हैं, तो भाई इसलिए आप पीछे नहीं हटना है, मोटिवेट करना एक दूसरे को कि येस यू कैन डू इट, आप मुझे भी कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने फिर से अपनी डाइट को स्टार्ट किया है और अभी भी चीज़ें बहुत सारी मैसेज चल रही हैं, बट स्टिल आप सबके इतने सारे मैसेजेस हैं और डेली बेसिस पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं लाइव स्टार्ट कर दूँ, मैं डाइट स्टार्ट कर दूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, बट सिर्फ आप लोगों के लिए मुझे ये लाइव लेकर आना पड़ रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा एक दूसरे को, ताकि हम अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से ले जा सकें। मुझे नहीं पता कि मैं कितने टाइम के लिए इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, बट डेफिनेटली आप लोग साथ में हैं तो हम लोग इस जर्नी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरह से पूरा लाइव नहीं लेकर आ पाऊँगी आप लोगों के लिए, तो मैं शॉर्ट्स के अंदर आपको अपना पूरा डे का अपडेट देती रहूंगी, ताकि आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हूँ आपसे।
और मॉर्निंग ड्रिंक के बाद मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं बादाम और साथ में मैंने लिया है आधा कप चाय। और अब चलते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में ये सब्जियों की क्वांटिटी देखिए आप और साथ में पोहे की क्वांटिटी देखिए। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर डाला है। और ये है हमारा वेजिटेबल पोहा। 70% आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए और 30% होना चाहिए आपका पोहा। सो फाइनली ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। आप देख सकते हैं इसमें मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स डाली हैं और पोहे की क्वांटिटी मतलब 70-30 का रेशो मैं ऑलवेज लेती हूँ। आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ कि जब भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं या आपने तीनों मेन मेजर मील लेते हैं ना, उसके अंदर आपको आपका मतलब कुछ भी बनाओ उसमें आपको वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती है, प्लस उसमें आपको आपका प्रोटीन जो है उसको आपको मैनेज करके चलना होता है। आप अपने हर तीनों मील के अंदर प्रोटीन लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चाहे आप इसमें थोड़ा सा पनीर क्यूब डाल दीजिए, मैंने जैसे यहाँ पर कुछ हैंडफुल पीनट्स डाले हैं, वेजिटेबल्स डाले हैं। देखिए विटामिन एंड मिनरल्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। हमें लगता है कि ये हमारे लिए इतने यूज़फुल नहीं है, ये तो कहीं से भी मिल जाते हैं, बट हम जो चीज़ खा रहे हैं ना उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ये विटामिन मिनरल्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स को भी लेना बिल्कुल इग्नोर मत करें। और जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जितने भी हमारे रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रोटीन आपके हर तीनों मील के अंदर ऐड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्ची में अपना मसल मास लॉस नहीं करना चाहते हैं और अपना बॉडी को फिट एंड टोन्ड रखना चाहते हैं और बेली फैट अपने फैट को निकालना चाहते हैं, तो प्रोटीन आपकी डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा टिप और मैं अब ब्रेकफास्ट को इन्जॉय करती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर मैंने अलसी अपनी एक हफ्ते के लिए स्टोर की है, धीमी आंच पे इसको मैंने सेका है और ठंडा होने के बाद ग्लास के जार में इसको मैं रख लूँगी। और डेली मैं अपने ब्रेकफास्ट के आधे से एक घंटे के बीच में मैं यहाँ पर अपना फ्लैक्स सीड्स पानी के साथ, 2 गिलास पानी के साथ 1 से 1.5 चम्मच फ्लैक्स सीड्स मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ, ठीक है। और ये मैंने लिया है अपना मॉर्निंग का मिड मील मॉर्निंग स्नैक। तो ये है मेरा आज का मिड मॉर्निंग का स्नैक, ठीक है। मिड मॉर्निंग स्नैक में ना जो भी लोकली और सीजनली जो अवेलेबल हो ना, हमें वही फ्रूट्स लेने चाहिए, ठीक है। वाटरमेलन है, बहुत बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। सीजनल आपको लेना है, क्वांटिटी का या पोर्शन का आपको सिर्फ ध्यान रखना है, रेस्ट आप कोई भी फ्रूट इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने लिया है यहाँ पे वाटरमेलन, आप अपना कोई भी सीजनल फ्रूट वहाँ पर जो भी आपकी सिटी स्टेट में मिलता है आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है ग्रीन टी, जो बार्बी चैलेंज वाली ग्रीन टी मैंने दी थी ना वहाँ पर। आपको अगर वो वीडियो नहीं पता है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। और अब बारी है हमारे लंच की। यहाँ पर मैंने लिया है जो का आटा, जिसकी ब्रांड इसके अंदर ही मिक्स है, मैंने छनवाई नहीं है। ब्रांड के साथ रोटी बनाई है, साथ में मैंने अजवाइन डाल के आटा इसका गूंधा था। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दाल ली है, पनीर की भुर्जी ली है, साथ में मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, बैलेंस्ड मील लिया है, ठीक है। उसके 20 मिनट के बाद मैंने गर्ल्यूकवॉम पानी के साथ 1 इलायची मैंने चबाकर इसको खाया था। और इवनिंग के टाइम पर मैंने लिया था अपना आधा कप चाय का और साथ में मैंने लिए थे रोस्टेड अपने मखाने लिए थे, इसमें हल्का सा नमक डला हुआ है। रोस्टेड मखाने के साथ मैंने 1 कप चाय का लिया था, ठीक है। और इवनिंग स्नैक में मुझे 6 बजे के अराउंड फिर से भूख लगी थी, तो यहाँ पर ये मैंने घर का पनीर निकाला था, इसको मैंने अपना पनीर को ग्रिल किया, साथ में मैंने ग्रीन चटनी ली और उसके साथ मैंने अपना ये इवनिंग का स्नैक लिया था। और अराउंड 7:15 मैंने यहाँ पर अपना डिनर लिया था, जो है मेरा पपाया का शेक। पूरा का पूरा आपकी बॉडी को अंदर से पूरा अच्छे से क्लीन करेगा, आपके इंटेस्टाइन को, और आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। अब ये मैं अपना नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जीरे को भिगो दिया है, साथ में मैंने कुछ बादाम को अपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग के रिचुअल्स के लिए मैंने इसको सोक कर दिया है। और साथ ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पर अपना नाइट ड्रिंक, जो है मेरा सिनेमन का वाटर। सिनेमन वाटर मतलब अगर आपको अपना बेली का फैट अंदर करना है ना, तो आपको रात को सिनेमन वाटर डेली बेसिस पे लेना चाहिए। ये है मेरा आज का नाइट ड्रिंक और इस तरह से मेरा डे वन जो है वो आज कंप्लीट होता है। सिंपल घर का खाना साफ सुथरा, कितने कितने लोगों को ये आज का डे वन हमारा पसंद आया, कौन कौन लोग इस डे वन को स्टार्ट कर रहे हैं, रूल्स मैंने आप सभी को बता दिए। वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट सुनिएगा, देखिएगा। और इस लाइव चैलेंज को जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इन वीडियोस को चाहे अपनी फैमिली मेंबर्स
फ्रेंड्स, आपके दूर के रिलेटिव्स, आपके पास के रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, इन सभी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप शेयर कीजिए। बहुत से लोग हैं जिनको आपका ये एक फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज उनकी लाइफ बदल सकता है, ताकि वो भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई भी खर्चा किए हुए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जो लोग भी मेरे साथ इस लाइव चैलेंज के अंदर जुड़े हैं। बिल्कुल फेयर डीलिंग के साथ हम लोग काम करेंगे। कोई भी देखिए, अगर कुछ भी चीज़ आप छुपाते हैं ना, तो वो आपकी हेल्थ पे असर कर रहा है, मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा है या बाकी फैमिली पे असर नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ का मैटर है। नो चीटिंग, नो झूठ, नो एक्स्ट्रा इधर उधर के मैसेजेस। टेलीग्राम पर अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, तो मुझे विद पिक्चर आपका चाहिए, मुझे राइटिंग के अंदर नहीं चाहिए कि डे वन आपने राइटिंग में लिखा, डे टू आपने राइटिंग में लिखा, ऐसा वहाँ नहीं चलेगा गिव अवे के लिए। मुझे विद अ पिक्चर, मतलब आप वेइंग स्केल पर खड़े हो, मुझे वेइंग स्केल की एक पिक्चर चाहिए, डे वन, डे टू, डे थ्री, इस तरह से मेंशन की हुई। ठीक है, बिना पिक्चर के आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है इस प्लान के लिए, इस गिव अवे के लिए। ठीक है, तो अपने साथ बिल्कुल फेयर डीलिंग रखिएगा, बिल्कुल रिलीजियसली इन प्लान्स को फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली एक जादुई चीज़ें ना आपका इंतजार कर रही हैं, सब कुछ घर का सिंपल खाते पीते हुए। आपसे मिलती हूँ डे टू की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।